देश भर के किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। इसलिए आज टिकैत यवतमाल की आजाद मैदान में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे। हालांकि तानाशाह केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक दिया, लेकिन जब उनके साथी किसान नेता नागपुर से यवतमाल जा रहे थे तो बुट्टीपुरी में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राकेश टिकैत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए पिछले 2 से 3 महीनों से काम कर रहे हैं। जब वह आज यवतमाल में किसान महामेलाव में किसानों से मिलने के लिए जा रहे थे तो दिल्ली में तानाशाह केंद्र सरकार और NBS ने उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक दिया और उनका टिकट रद्द कर दिया। हालांकि उनके सहयोगी गुरमीत सिंह मंगीत, तेजवीर सिंह, अमरदीप सिंह, गुरविंदर सिंह, संदीप दुबे, श्रीकांत रावल, जब ये सभी प्रतिनिधि यवतमाल जा रहे थे तो बुट्टीपुरी महाविकास अघाड़ी द्वारा बुट्टीपुरी बस स्टॉप पर सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुजीब पठान, बाबूभाई पठान, सुधीर देवताले, राजू गावंडे, यूसुफ भाई शेख, आशीष वर्घनी, NCP के प्रदीप सिंह चंदेल, दामो गुजर, शिवसेना के नगर सेवक सरफराज शेख, मनोज ढोके, तुषार डेरकर, विलास भोमले, संजय उतने, नागेश गिहे, शफी शेख, सदन राखेड़े, रजत वर्घने, विभोर अंबटकर, तुषार धाकने, राजू सिंह और सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्री मोबिलाइजेशन शुरू हो चुका है पूरे महाराष्ट्र में, आप सब बढ़ चढ़ कर भाग लें और जितनी भी कॉल्स आती हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, चाहे वो टोल टैक्स को बंद कराने का हो, चाहे रिलायंस के शोरूम बंद कराने का हो, चाहे रेल रोको हो, आप उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। यही हमारे सर्व सेतकारी भाइयों से अनुरोध है, अनुरोध है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर साथ लें और जहां पर भी आप हो, चाहे वो महाराष्ट्र में किसी भी कोने में हो, चाहे नागपुर चाहे पुणे में हो, शांतमय तरीके के साथ अपना विरोध प्रकट करें और इसका साथ दें, क्योंकि ये काले कानून आने वाले समय में हमारी नस्लों को, हमारी फसलों को बर्बाद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई दौर नहीं है, अभी हमारे लिए कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए संदीप बलवीर की रिपोर्ट।